चाइनीज जूतियां मिलनी चाहिए उसमें, लेकिन मारे कौन? अब्बा कौन सा ज्यादा जल्दी उठा, वो भी 10 बजे उठा सके। भाई ये 10 बजे क्यों उठा? क्योंकि अब्बा ने 12 बजे तक मोबाइल चलाया था, बेटे ने 3 बजे तक चलाया। जब बाप 12 बजे तक मोबाइल चलाएगा तो बेटा 3 बजे तक नहीं चलाएगा। बोलो। और मेरे बच्चों में तुमसे कह के जा रहा हूं, शायद तुम्हारे बाप तुमसे ना कहे मोबाइल फेंक दो, किताबें हाथ में ले लो, वरना जवानी में भीख कटोरे के सिवा कुछ हाथ में नहीं रहे। मेरी बात याद रखना छोटे बच्चों, अगर जिंदगी बेहतर करना चाहते हो हाथ ना लगाना, आज किताबें उठा लो, कल कूड़ा कंप्यूटर तुम्हारे कदमों पे पड़ा जा रहा है। सुधार के दिखाओ, बिगाड़ के दिखाई। अल्लाह वाले के आंगन में बैठे हो भाई, जाओ जाके पूछो साहिबे मजार से, मजार तुम्हारा क्यों बना? क्या तुम ढोलक बजाते रहे, मुकाबले? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर रब ने ये पर्दे ना डाले होते ना, तो ये मजर मजार से निकल के कहते गैरत कर, हमने पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत की थी, पूरी जिंदगी थी ने मुस्तफा की हिफाजत की, जिंदगी थी ने मुस्तफा की हिफाजत की थी। हमारे सीने पे लाकर डांस करके दिखाते हो, हमारे सीने पे लाकर तुम नचनियों को बैठा के दिखाते हो, हम तुम्हारे मजार पे कपालों को बैठाएंगे। खुदा तुमसे तमाम नहीं होता इस कौम, चाहता हूं अपनी कौम से। आज एक तरफ नाचने वाली बगैर बिना दुपट्टे के बैठी होती है, दूसरी तरफ बिना टोपी के बगैर बिना ताड़ी के बैठा होता है, और नीचे से मौजूद है। कितने आईपीएस हमने नंगे अमीर दौलत की गड्डियां लेकर के खड़े होते हैं, और जब उड़ाया करते हैं तो फिर देखते नहीं पैसा कितना जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी कौम जरा जायजा लिया जाए, हमारी बस्तियों के अंदर कितने आईएएस मौजूद हैं, कितने आईपीएस हमने बनाए हैं, कितने एमबीबीएस हमने बनाए हैं, बाकी के 10 लाख बच्चों की तालीम पर लगाए। हाँ, कई बार लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हजरत, एक कोटी पला जगह, एक कोटी पला जगह। आता इसका गरीबान पकड़ के पूछूं, बता तेरी कोटी से कौम को क्या मिलेगा? काश दो कमरों का स्कूल बनाया होता, आज हमारी कौम तालीम में सबसे पीछे क्यों? मैं बता दूं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूलों में, सिर्फ खिचड़ी खा के लौट आते। क्या मतलब पढ़ा किसी को, कोई तुम्हारे बच्चों को तालीम देगा? हमारे ऊपर मेहनत जब तुम नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को ये बता बस्ते में फ्लैट मीटर ले, गांव के मुखिया और प्रधान का पूरा सोल ये रहता है कि वो जो बटता है ना खाना स्कूल में वो जरूर बटे। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं। और हम हाई स्कूल के एग्जाम में रिश्वत दे के पास होते हैं, गलत नहीं कह रहा हूं। हमारी कौम कहती है मुसलमान है इसलिए नौकरी नहीं मिल रही, झूठ बोलते हुए
मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारी चौखट तक आएगा। मैं रिश्वत दे के पास होते कहते हम अपने आप को हम मुसलमान, इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। मीटर लेके चेक ना करना अगर मैं नाम बोलूं किसी का, जाने मुसलमान के नाम पे ही गए वो अबुल कलाम आजाद का। बताइए भाई ऐसे कितने नाम बता सकता हूं। आप कुछ बनो तो सही, कौन जो हाई स्कूल में रिश्वत देकर नकल करके पास हो, पास हो जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं प्यारे, उससे पहले इंटरव्यू भी होता है, टेस्ट भी होता है। कर सकते हो इंटरव्यू में, उसको पैसा देके तुम पास हो गए। जब बाहर निकाले जाते हो कहते हो नाम पूछ के निकाल दिया गया, झूठ बोलते हो। तुम अगर काबिल बन जाओगे तुम्हारी कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा, तुम अगर लायक बन जाओगे तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। दावे के साथ कहता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो धर्म नहीं देखा जाता है, जात नहीं देखी जाती है। तुम्हें क्या लगता है नकल करके आता हो तो कैसे? तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल गुजरा है, जब सारी दुकानें बंद होती थी तो बीड़ी पीने वाले लोग, तंबाकू लेने वाले लोग इतना बेकरार रहते थे, कहां मिलेगा कैसे मिलेगा। अगर कोई दुकान आधी खुल जाती तो फिर कोई ये नहीं देखता था कि ये किस जात वाले की दुकान है, किस बरादरी वाले की दुकान। क्या लगता है नकल करके रखी, ये बरेलवी आएगी रखी, ये सुन्नी आएगी रखी, और नवाबी ये देखता था ये बरेलवी है ये वहाबी है, जिसकी जब जरूरत जहां से पूरी होती थी वहां दौड़ के जाता था, हाथ डाल के सामान लेके आता था। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो फिर साथ नहीं देखी जाती है, बरादरी नहीं देखी जाती है। खुदा की कसम खाली हासिल करो, जहां तुम्हारा हक होगा खुदा तुम्हें वही मनसब अता फरमाएगा। कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से कि हमें नाम देख के हटा दिया गया? हो सकता है भाई, 1-2% की बात नहीं करता, लेकिन काबिलियत अपनी जगह ले लेती है, हमारी कौम के अक्सर डॉक्टर देखो कह रहे हैं मुसलमान है, इस मारे छापे पड़ रहे हैं मेडिकलों पर। छापे इसलिए नहीं कि मुसलमान है, छापा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तेरे कागजात मुकम्मल नहीं है। हम भी रोड पे चलते हैं, आप भी रोड पे चलते हैं, 10 बार हमारी कोई गाड़ी रोके, 50 बार रोके, जब कागज पूरे होंगे तो क्या करोगे? चाहते भी कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर कागज पूरे नहीं है तो तुम कुछ भी, फिर कानूनी तौर पे आप जद में आओगे। ये सच्ची बात है, कानूनी तौर पे जद में आओगे। मुसलमानों के हॉस्पिटल क्यों बंद कराए जा रहे हैं? मेडिकल क्यों छापा पड़ता है? हमारे बच्चे 2 साल डॉक्टर ले लेती है, 2 साल के बाद गले में आना डाला, हाथ में ब्लड प्रेशर वाली मशीन पकड़ी, निकल गया टहलता हुआ, लोगों ने कहा डॉक्टर आ गया। तुम्हें क्या लगता है खाली सुई लगाने से बंदा डॉक्टर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर चेक करने से बंदा डॉक्टर हो जाएगा? नहीं प्यारे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इल्म हासिल करना पड़ता है, तब जाके काबिलियत की पैड़ी पे खड़े होते हो। दावे के साथ कहता हूँ, आप काबिलियत हासिल करो, आप इल्म के अमल का हासिल करो, फिर चाहे मेडिकल खोल के बैठ जाओ, हॉस्पिटल खोल लो, अगर कागज किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो ताला डाल के चला रहा है। आप इल्म के अमल का हासिल करो, खाली टिप्पणी करने बैठ जाते हैं, पढ़े और आगे बढ़े। ये जितने भी फालतू के तमाशे हैं बंद किए, कव्वालों पे नचनियों पे हाथ हो गई, बेटे की शादी है तो 1.5 लाख की आतिशबाजी कर देगा, लेकिन किसी गरीब को 150 रुपए देने तैयार नहीं होगा। दिल दुखता है यार, सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, नकाब में आती औरत बच्चा गोद में होता हाथ फैला देती साबिर भाई शीशे के आगे। सवाल ये नहीं है हाथ हमारे आगे फैलाया, ख्याल ये आता है काश उम्मत के अमीरों ने इंसाफ किया होता तो उम्मत के गरीब रोड पे नहीं आते। ये चीज जहन में आती है उसमें, ओ भाई बस इतना कर जो हमारे गलत कदम इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो। ये अल्लाह वाले मजारों में लेटे हुए, खुदा की कसम अल्लाह ने ना ये हमारी हिफाजत के लिए इस बात मुहैया कर रखे,
असबाब मुहैया कर रखे सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ ने, पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत संभाले। हम अजमेर वाले कहलाते तो हैं लेकिन किरदार में कितने। अल्लाह ने ना कोशिश की, हम हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए ना, दो चीजें लेके आए थे लेकिन किरदार में कितने। दूसरा मदीने वाले का किरदार लेके आए थे, दो ही चीजें थी, तलवार नहीं थी उनके पास, बम नहीं था उनके पास, दो ही चीजें थी, किरदार और कुरान। और आज दोनों ही चीजें हमारे बीच से खत्म हो रही है, हमारे दरमियान दोनों ही चीजें नहीं है। अखलाक देखो तो हम कड़वे हो गए, कुरान देखो तो हम बिल्कुल जाहिल हैं। कुरान से 90% टोपी ओढ़ने वालों को दुरुस्त कुरान नहीं आता। कहीं कहीं इत्तेफाक हो जाए ना, नमाज पढ़ने मस्जिद में चले जाओ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ सर पर रख दिया। लगे जब मस्जिदों के ये हालात हैं तो उनके हालात क्या हुआ। तीजा होता सारी पारे लेके बैठ जाते। फरमाया गया गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लाना भेजता है। पूछो ना उलमा से, ये हुक्म है, गलत पढ़ने वालों पर कुरान खुद लाना भेजता है। बख्शवाने गए थे कि उस पर लटके फिरवाने गए थे। और कलमा शरीफ की जो तादाद है कि पढ़ दिया जाए तो बशारत है अल्लाह बख्श देता है। पता चला तीन बार चले हो गए लेकिन लठिया बराबर चल रही। क्यों? क्योंकि जो कलमा पढ़ रहे ना उन्हें कलमे ही दुरुस्त याद नहीं। बख्शवाज आगे चलो, बाद में फिर मुट्ठी देखे कितना भर के दे रहे कितना कम दे रहे। ये हालात हमारी कौम के यार, जिस कौम को कलमा तक सही याद नहीं है उसे हंसने की इजाजत किसने दी? रोना चाहिए। रोना कर सके खुदारा कुरान के करीब हो जाए। ये जो बुजुर्ग लेटे हुए हैं ना, ये सब कुरान वाले लोग, ये दिन भर रोजे रखते थे, रात भर नमाज में कुरान कर सके। फिर अल्लाह ने इतनी इज्जतें बख्शी, हुक्म हो गया तू जमीन के नीचे जाएगा, हम जमीन के ऊपर तेरे नाम के मेले लगाएंगे। वरना बड़े बड़े नाम वाले आए, किसका नाम बाकी है? हुक्म हो गया तू जमीन, रब के नाम को बुलंद किया अल्लाह ने इनके विसाल के बाद इनके। तो कुरान के आदि बनो, हम तो पढ़ते ही नहीं। लेकिन अगर अल्लाह वाला कोई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, दुनिया उसके निशान को भी जानती है, दुनिया उसके नामों को भी जानती है, पूरी दुनिया जानती है अल्लाह वालों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर रब के नाम को बुलंद किया, अल्लाह ने इनके विसाल के बाद इनके नामों को बुलंद किया। तो कुरान के आदि बनो, हम तो पढ़ते ही नहीं, कुरान आता ही नहीं। 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे हम, 3 बजे तक, और सुबह उठ के कहेंगे अजमेर वाले तेरे गुलाम हैं, बरेली वाले तेरे गुलाम हैं। हम अपने दावों में सच्चे, दावे किया करो, मैं इनकार नहीं करता, काश ये ज़बान कबूल हो जाए और कयामत में गुलामों में उठा लूं। हम तो निस्बत का भी बड़ा ख्याल करते हैं और सब कुछ निस्बत ही हमारे पास सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अपने आप को भी बदलो ना, अपने आप को बदलो। अभी जरा सी भुखमरी आ जाए ना, सबसे पहले कर्जा लेने भागेंगे, सूद पे मिल जाए, ब्याज पे मिल जाए, हराम का मिल जाए, हलाल का मिल जाए, सारे आता ही नहीं। फरमाया गया जिसने सुबह फजर बाद ना सूरह यासीन पढ़ ली उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते। कौन पढ़ेगा सुबह में? जब उठी 11 बजे रहे आंखें मसल के, 11 बजे कह रहे उठकर चाय मिलेगी, चाय नहीं जूतियां मिलनी चाहिए उसमें। लेकिन मारे कौन? अब्बा कौन सा ज्यादा जल्दी उठा, वो भी 10 बजे उठा सोके। भाई ये 10 बजे क्यों उठा? क्योंकि अब्बा ने 12 बजे तक मोबाइल चलाया था, बेटे ने 3 बजे तक चलाया। जब बाप 12 बजे तक मोबाइल चलाएगा तो बेटा 3 बजे तक नहीं चलाएगा।
बोलो। और मेरे बच्चों में तुमसे कह के जा रहा हूँ, शायद तुम्हारे बाप तुमसे ना कहे, मोबाइल फेंक दो, किताबें हाथ में ले लो, वरना जवानी में भीख के कटोरे के सिवा कुछ हाथ में नहीं रहे। मेरी बात याद रखना छोटे बच्चों, अगर जिंदगी बेहतर करना चाहते हो हाथ ना लगाना, आज किताबें उठा लो, कल कूड़ा कंप्यूटर तुम्हारे आगे पे पड़ा हुआ है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अगर तुम्हारा बाप भी पढ़ने से रोके तो पढ़ो। ये मत कहना बाप का नाफरमान बना रहे, बाप को भी समझाओ हमें कुछ हासिल करना है। और बापों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, 100-200 के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। अगर ये 200 रुपए के शाम तक आलू बीन लाएंगे तो वो 5 मिनट में, कल भर में आपके बच्चे ने 3000 के आलू बीन लिए खेत में, तो ये 3000 से गुजारा नहीं होगा, लेकिन ये जिंदगी का एक साल को आने वाले दौर में जाकर के 3 करोड़ में नहीं खरीद सकता है। इसलिए अपने बच्चों की तालीम पर जोर दो। और मेरे बेटो, तुम जो रातों को मोबाइल चलाते हो ना, ये बंद करो, किताबें लेके बैठ जाया करो, पढ़ो। खुदा की कसम, तुम्हारे की पीठ से फिर साइंस सीखा भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी पैदा होंगे, डॉक्टर भी पैदा होंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर भी पैदा होंगे, काबिल तरीन लोग तुम्हारे दरमियान से पैदा होंगे, लेकिन शर्त इतनी है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। रातों को उठ के सजदे किया करो, दिन भर मेहनत किया करो, दिन भर मेहनत के बाद रात को मुसल्ले बिछा के कहा करो, मालिक मुकद्दर को रोशन करते, आने वाली जिंदगी को ताबनाब करते। वो तो ये कहता है, मेरी बारगाह में आना तेरा काम है। अगर तुम्हारा बाप भी पढ़ने से रुकता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ोगे बच्चों, मेहनत करोगे बेटे, ये फिक्र ना करना कोई तुमसे कहेगा तब पढ़ोगे। बचपन में खेल बहुत अच्छा लगता है, जी करता है अम्मा अब्बा एक तरफ हो जाए और हम खेलते रहे, मगर ये सब शैतान की तरफ से होता है। कभी खेल के धोखे में मत आना, पढ़े हैं, बैठ जाया करो, पढ़ो खुदा की, पढ़ोगे बच्चों। लेकिन जहीन है, पढ़ना चाहता है, पूरा गांव मिलके उसे पढ़ाओ, पूरा गांव मिलके उसे पढ़ाओ, भले ही वो किसी गरीब का बेटा होगा, लेकिन अगर वो MBBS बन गया, समझ रहा हूं हुजूर के दीन के सिपाही, आज अल्लाह माफ करे, डॉक्टर नहीं डाकू हो गए, डॉक्टर नहीं डाकू है। और एक दौर ऐसा था कि तबीबों को मसीहा कहा जाता, और आज भी डॉक्टरों पर कौन इतना भरोसा है, जहां से तुम्हारी 100 बंद कमरे के अंदर अपना मरीज दे देकर के वापस आ जाती है, वो जानती है इसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन तमाशे हम जानते हैं। जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से इल्म वालों की सोच शुरू हुआ करती है। यार सुन, अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैं कुछ बातें कह जाऊं, नाम नहीं लूंगा किसी हॉस्पिटल का, तबीब होना ये हमदर्दी की निशानी थी, डॉक्टर मसीहा कहा जा रहा था, लेकिन आज मैं डॉक्टर कहता हूं इल्ला माशाल्लाह। कुछ लोगों को छोड़ देता हूं, ऐसे भी मेरी नजर में कुछ लोग हैं कि जो खुदा की कसम मुस्तफा के सच्चे उम्मती नजर आया करते, कि जो खुदा की कसम मुस्तफा है डॉक्टर, लेकिन हुजूर के सच्चे उम्मती नजर आते हैं। जानते हो गरीबों के पे सितम कितना होता है, आईसीयू में बंदा भर्ती कर लिया, किसी को मिलने नहीं दिया जाए, पुटलिया भर के इधर से दवा आती है और उधर खत्म। जिंदा आदमी इतना पानी नहीं पी सकता जितना किलो के हिसाब से बीमार की दवाइयां चढ़ती है, समझ में आने वाली बातें ये।
गरीब का पटला भर दिया जाता है, पर्चा बना के दिया जाता है। टाइम बन गए डॉक्टरों के, इस टाइम से इस टाइम तक बाकी नहीं, आओगे तो टबल फीस लेंगे। तुम्हें तो तबीब बनना था, डॉक्टर बनना था, तुम्हें मरीज इसलिए दिया गया था। बाप से ज्यादा भरोसा तुम पे किया गया, माँ से ज्यादा भरोसा तुम पे किया गया। तुमने क्या किया, जूठी दवाइयां मंगा करके उसके साथ तुमने खिलवाड़ किया। फिर मरने के बाद 3 दिन तक तुमने उसके ऑक्सीजन लगा करके उसकी मौत के भी 3 दिन तक तुम चार्ज ले लेते हो। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, काश मुस्तफा का सच्चा उम्मती लोगों की मदद से आज बन जाए MBBS। जब वो डॉक्टरी की कुर्सी में बैठेगा, खुदा की कसम, दवा देने से पहले सोचेगा मुझ पे मुसलमानों का बड़ा एहसान। डॉक्टर बनना था, तुम्हें मरीज इस इंसान है, मैं इस लायक नहीं था इस कुर्सी पे आ जाता। मुझे लोगों की दुआओं ने यहाँ पहुंचाया है। फिर जब वो दवा देगा तो डाकू बन के दवा नहीं देगा, मुस्तफा का उम्मती बन के दवा देगा। और उम्मती का उसूल ये होता है, वो दवा बाद में देगा, दुरूद पहले पड़ेगा। दवा करे ना करे, गुजारिश है मेरी कौम के लोगों, अपनी बस्ती में ऐसे लोग पैदा करो जो खुद में डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, तेरे दामन में है किसलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। सब कुछ हुजूर ने दिया, इस्लाम मना नहीं करता डॉक्टर बनने से, इस्लाम मना नहीं करता है मास्टर बनने से, इस्लाम ने मना नहीं किया कि आपको इंजीनियर बनने से, बनिए मगर इस्लाम की हदों में रह के बनिए। इस्लाम किसी को सताने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम किसी पे जुल्म की इजाजत नहीं देता, इस्लाम किसी को धोखे की इजाजत नहीं देता। एक दौर ऐसा था जब फारूक आजम कुर्सी पे बैठते थे तो बाजार में जितने लोग आते थे सारे बड़े बड़े फकीर हुआ करते थे। हाँ, उस दौर में खैर आलिम की एंट्री नहीं होती थी बाजार में,